ये इस्लामिकम स्टूडेंट्स आज चैप्टर 10 पर डिबेट करेंगे। चैप्टर 10 में से इस दफ़ा 2021 में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है और एक एमसीक्यू आ रहा है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, वही इंशाल्लाह ताला पेपर में अपीयर होगा। और अभी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। कुछ एमसीक्यूज मैंने निकाले हैं 5-7, उसमें से इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी आ जाएगा। और तक मैक्सिमम आपने हाफ एन आवर में चैप्टर को प्रिपेयर करना है, इसको रिकॉल कर लेना, ज़रा देख लेना है जी। पैटर्न क्या होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन 2021 के पेपर में इस दफ़ा फर्स्ट ईयर में, और एक एमसीक्यूज होगा। लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है, पहले एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने है कि न्यूज़ सर्वर जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं अपने आर्टिकल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, शेयर करने के लिए, दैट इज़ NNTP, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। नंबर सेकंड पे एड्रेस इजी टू रिमेंबर। एड्रेसिंग स्कीम दो तरह की हमने पढ़ी थी, IP एड्रेस और DNS एड्रेस। जबकि DNS का आंसर होगा, DNS एड्रेस इजी टू रिमेंबर है बिकॉज टेक्स्ट एड्रेस होता है, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसके अंदर मुश्तमिल होगा, टेक्स्ट में मुश्तमिल होगा, आप आसानी से याद कर सकते हैं, लाइक hotmail.com हो गया, yahoo.com हो गया, इंग्लिश नेम टेक्स्चुअल नेम होगा। जबकि IP एड्रेस को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, दैट इज़ कॉल्ड अमेरिकन एड्रेस। तो आंसर मिलेगा हमें यहाँ पे कौन सा, NNTP। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, फर्स्ट वन पहले नंबर पे हमें आंसर मिल रहा है जी, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, और नंबर सेकंड पे DNS, डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ईमेल क्लाइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, आउटलुक एक्सप्रेस का आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, इसको हम बोलेंगे सर्च इंजन। सर्च इंजन जो है वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के इस्तेमाल होगा। ये 3-4 MCQs हैं, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, इसमें से एक बन सकता है। और नेक्स्ट एक मैंने टेस्ट शेयर किया है, उसके अंदर देख लेते हैं अदरवाइज जी। लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो IP एड्रेसेस और DNS एड्रेस एड्रेसिंग स्कीम के बारे में है, जो कि एक ही चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और इसी के आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। और फर्स्ट टाइम चैप्टर 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है और यही लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैव अ यूनिक एड्रेस, दैट इज कॉल्ड IP एड्रेस। उसके बाद स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP स्टैंड फॉर 32-bit का एड्रेस है, बिकॉज इसमें 4 नंबर्स होते हैं IP एड्रेस में, और इन 4 नंबर्स को ऑक्टेट्स बोलते हैं, और डॉट से अलहदा किए जाते हैं। यह भी आप बता सकता है कि डॉट से सेपरेट किए जाएंगे, जबकि उस नंबर को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। ये भी MCQs है। ऑक्टेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज 0 to 8 करें तो आपको मिलेगा 256, 0 से लेके 255 तक कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक 192, ये पहला ऑक्टेट है। उसके बाद डॉट, ये भी एम सी को जा सकता है कि दीज नंबर्स आर सेपरेटेड बाय डॉट, 168। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे डॉट, उसके बाद सपोज 7, और उसके बाद डॉट, और आगे फिर 5। दीज आर 4 नंबर सेपरेट बाई डॉट, और ये नंबर 0 से लेके 255 तक कोई भी हो सकता है, लाइक ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, इस एक नंबर को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। और 4 सेपरेट नंबर होते हैं IP एड्रेस के अंदर। सर्वर का जो स्टैटिक IP एड्रेस होता है, जबकि आपका जो क्लाइंट है वो जब भी कनेक्ट होता है तो उसको एड्रेस मिलता है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक, जो वेरी करता रहता है, चेंज हो सकता है। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम, DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद IP एड्रेस डिफिकल्ट टू रिमेंबर है, जबकि ह्यूमन रीडेबल नेम है, आसानी से याद किया जा सकता है। DNS टेक्स्ट पे मुश्तमिल होता है, इंग्लिश नेम है, और एग्जांपल है hotmail.com, ठीक है। और इसके दो पार्ट होते हैं, होस्ट नेम और उसके बाद डोमेन नेम, या फिर TLD, ये भी एमसीक्यू बता सकता है। TLD स्टैंड फॉर टॉप लेवल डोमेन। ये कुछ की पॉइंट्स हैं क्वेश्चन के, इसको अच्छी तरह से पढ़ के रिकॉल करके लिख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के, जबकि इस दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। और एक और पैटर्न आ सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन को मिला के जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर है उनका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ये भी पॉसिबल है कि वेब ब्राउजिंग या वेब ब्राउज़र का पूछ ले, उसके बाद न्यूज़ ग्रुप का पूछ ले या न्यूज़ सर्वर का पूछ ले, उसके बाद वेबसाइट का, या इनमें से कोई भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बना के 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, ख़ास तौर पर ईमेल एड्रेस जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर है, URL का है, ये 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दे के इन चीज़ों पे नोट लिख दें, ठीक है। ये भी आपने अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करें कि अपने सेकंड ऑप्शन के ऊपर, जो कि मैंने पेपर डाउनलोड किए हैं यहाँ पे, और साथ में MCQs पॉइंट्स हैं कुछ,
उनकी तरफ नज़र दौड़ाते हैं और उनके बारे में देखते हैं कि क्या सीन है। जी ये है हमारे पास कुछ पेपर्स की सेटिंग्स, ये पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ हैं और एक दो टेस्ट मैंने इसके अंदर कंपाइल किए हैं, वो ज़रा देख लें, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी सबसे पहले तो एक छोटा सा टेस्ट है, इसको आपने देख लेना है और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम द रिमोट कंप्यूटर, किसी और कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पे लाना, दैट इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। या फिर इसका रिवर्स करके भी आ सकता है कि आपके सिस्टम से किसी सर्वर कंप्यूटर पर भेजना, दैट इज़ कॉल्ड अपलोडिंग। अभी फ़िलहाल जो इसका आंसर रहेगा वो है डाउनलोडिंग। जी नंबर नेक्स्ट पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उसको मैंने सर्कल कर दिया है। फोर नंबर्स इन द आईपी एड्रेस आर कॉल्ड, फोर नंबर्स को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस कॉल्ड वेबसाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आईपी एड्रेस की जो उसकी लेंथ होती है वो 32 बिट्स होती है, बिकॉज हर ऑक्टेट को हम 8 बिट में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इनटू बाइनरी नंबर्स। सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वेब इज कॉल्ड वेब, इसको ब्राउजिंग बोलते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज है कि जो सर्च करता है इन्फॉर्मेशन आपको, उसे सर्च इंजन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, लास्ट पेज मैंने इसको आपके लास्ट एमसीक्यूज था, उसका आंसर नहीं गिवन था, लिख लीजिएगा। कंप्यूटर कैन लिंक टू द इंटरनेट थ्रू, कंप्यूटर किसके लिए कनेक्ट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। टेलीफोन लाइन से भी हो सकता है, डीएसएल से भी, केबल से भी, ऑल ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट वेबसाइट या वेब पेज कैसे एक्सेस होता है आपके सिस्टम पे, किस प्रोटोकॉल के जरिए, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। टॉप लेवल डोमेन मोस्ट कॉमनली यूज कौन सी है, .com कमर्शियल डोमेन है। इसमें TLD कौन सी है जी, .com है, याहू जो डोमेन नेम है। नेक्स्ट देखें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल इस दफ़ा पेपर के लिए, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आना है, इसको ध्यान कीजिएगा, लिख लिख के देखिएगा। आगे फिर इसमें से कुछ MCQs हैं वो देख लें। हु ओन्स द इंटरनेट का कौन मालिक है, ना 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 इसका, ये भी अक्सर पेपर में पास्ट पेपर में आया हुआ है। उसके बाद होस्ट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट है वा, जी होस्ट कंप्यूटर जो होता है उसका यूनिक आईपी एड्रेस होता है, वो स्टैटिक होता है। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऐसी कंपनी जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट ये URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आ सकता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट वेब ब्राउजर एड्रेस को ये कोई जरूरत नहीं है, 10 नंबर कर लें। ईमेल एड्रेस को सेपरेट किया जाता है एट साइन से। आगे फिर इस पूरे लिंक के अंदर एड्रेस जो है इसका HTTP क्या है, यहाँ पे प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर पास पेपर में आया हुआ है, कौन सी सर्विसेज इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब भी, FTP भी, ईमेल भी, ऑल ऑप्शन आएगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट, ये हमारे चैप्टर का मॉड्यूल्स बने हुए हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल आप लोगों को, बिकॉज अगर आपने इन लेंथ या डिटेल में प्रेपरेशन करनी है चैप्टर नंबर 10 की, तो ये मॉड्यूल सिस्टम है हमारा, इसको आप कंप्लीट प्रिपेयर करना है, लेकिन 2021 के पेपर के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यह जी एक पास्ट पेपर हमारा, इसमें इस चैप्टर में से कौन सा MCQ आया हुआ है, लास्ट पे देख लें, सर्विसेज ऑन द इंटरनेट कौन कौन सी हैं, WWW, FTP, ईमेल, ऑल ऑप्शन आएगा। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पेपर देख लें, ये कुछ MCQs हैं, इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो MCQs है वो कौन सा है। जी जो तो फॉलोइंग यूज टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब से इन्फॉर्मेशन देखनी है तो सर्च इंजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, दोबारा रिपीट हो सकता है। आगे फिर यहाँ पे कौन सा रिपीट हुआ है चैप्टर नंबर 10 में से, जी आईपी एड्रेस की जो कंप्लीट टोटल लेंथ है वो कितनी है, स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस इज कंपोज ऑफ अ टोटल 32 बिट्स, 8 बिट्स एक ऑक्टेट का, 8 एक का, फिर 8 एक का, फिर 8 एक का, फोर नंबर सेपरेट बाय डॉट्स।